मत। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। मारो बुरा कोला पेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता ब्राह्मण के भोजन। मारो ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन, उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकौड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। तीन भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाते। इसलिए ये तीन भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकाले, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूर। देखिए जब ज्यादा घर में पितृ दोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृ दोष बहुत ज्यादा है, एक रुपए कमा रहे हैं सवा रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान चार दिन अच्छी चल रही है फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें एक चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंडा जहां होता है मटका हंडा, या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर या गायत्री मंत्र का स्मरण कर जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित हो उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर, बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता, उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख
श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है, महाराज अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण, दक्षिण मुखी हो। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए, दक्षिण का। और दक्षिण का मुख जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें, जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है ढाका गया है वहाँ अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाए महाराज, वापिस आ जाए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए, वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, एक मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित, पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृ लोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं, शिव के ऊपर चढ़ा। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब तरह के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं मंजरी, वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री है, भगवान केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही है, संपूर्ण सामग्री, यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं, 1,25,000 दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का, सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। देख पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले एक चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना, भले एक चम्मच दूध लेकर जाओ, एक कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है।
इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से एक चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए, बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़ इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं, इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज, बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का, बाबा पर विश्वास रख, भगवान का नाम स्मरण कर कर बढ़ोगे जीवन सार्थक होगा। देवऋषि नारद को कितना समझाया भगवान ने, कितना ज्ञान उपदेश दिया, अरे नारद जी आपको कहकर भेज रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, आप ये बात मुझे कहो ये भगवान से मत कहना, और कौन ने माना, देवऋषि नारद सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिए, सीधे जाकर कह दिए भगवान विष्णु को, पहुंचते ही भगवान विष्णु जान गए कि नारद जी ने देवऋषि नारद आज निंदा कर करेगा, निंदा करने वाला करे करे सोहन दो। अब देवऋषि नारद को लगा कि भगवान विष्णु को इतनी बड़ी बात कही, और इतनी बड़ी बात मैंने देवऋषि नारद मन में सोचे कि मैंने भगवान विष्णु को कही, और भगवान मेरी बात को तो लिए ही नहीं, निंदा करने वाला व्यक्ति कोई अगर किसी पर उंगली उठाए तो पहले विचार कर लेना कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है, विचार करिएगा। विचार करिएगा एक कलकत्ता में कहा था, अच्छाई देखोगे तो ढेर अच्छाई मिलेगी और बुराई देखोगे तो ढेर बुराई मिलेगी। एक बार जब भगवान राम जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया, तब राम जी महाराज जब शाम के समय पर टहलने के लिए निकले तो अयोध्या के एक विद्वान ने राम जी महाराज को रोक लिया, रुकिए महाराज हैं, आपसे कुछ बात करना है। हमें आपसे कुछ पूछना है। राम जी महाराज रुके, विद्वान के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। कोई बहुत अगर विद्वत्ता की बात करे ना तो उसके सामने शून्य बन जाना चाहिए, अपनी ज्ञान की परिभाषा महामत खोलना। अपनी पोटली को, अपनी तिजोरी को कहां खोलना है वो भी स्थान बताया गया है। जिसमें भगवान के चरणों के प्रति रुचि नहीं हो उसके सामने कभी भगवान की बात मत करो। जो भगवान को मानता ही नहीं उसके सामने क्या भगवान की बात करना। ज्ञान उसी को दीजिए जो ले रहा है, उसके सामने कभी ज्ञान मत दो जो लेने कोई तैयार नहीं है।
कितनी अच्छी अच्छी बात रावण और दुर्योधन को समझाते थे, फ्री की एडवाइस देते थे, फ्री का ज्ञान देते थे, कितना समझाते थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो इसके समझ में आती थी। अरे बोलो तो सही जरा जमके, ये जितना लोग तुम आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, इनको कितना ज्ञान दिया बेचारे के नाना जी भी बोला रावण का, तो नाना भी बोला अरे सुधर जा रहे हो, दस मुंडा का सुधर जा, तेरे को समझाऊँ अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जा, मैं लंकेश मत कर, अभी भी तेरे को समझा रहे, नाना जी बोला, इतना डोकरा आदमी बूढ़ा आदमी बोला कि समझ जा रहे। अच्छा वो तो वो एक ही धर्म पत्नी भी समझाई बेचारी मंदोदरी भाई, कितना किया समझ जाओ स्वामी, पर ये फ्री की एडवाइस जिसे समझ में आए, अच्छी बात अगर किसी के क्यों नहीं तो के वो पटना की बोलूँ कि काली मिर्ची बोलूँ, तुम बोलो वो बोल दूँ, पटना की लग जाए मिर्ची, लाल मिर्ची लग जाए उसे तुरंत, अच्छी बात अगर कहीं का बोला समझाने की बात तुमने किसी को की और रुके लगे, इतना भी मूर्ख नहीं है हम हो, जितनी अकल तुम दे रही हो नहीं, जितनी तुम अकल हमको दे रहे हो नहीं, इतनी तुम में पहले की भरी। रावण भी उसके नाना जी से बोला, नाना जी तुम्हारा एक मुंडा मेरा दस, अब बता अकल की में बड़ी। और नाना जी बेचारा चुप हो गया, खांसने लगा, मैं बेचारा छोरी मारे पानी पिलाई दे, चक्कर में नहीं पड़ूं दादा, अकल उसके दी जाए जिन्हें अकल में हो, थोड़ी बहुत जिसके विवेक में समा जाए, अब ये तो कि मारा दस मुंडा और तुम्हारा एक मुंडा, अकल तुम एक मुंडा से दोगे ना, हमारे तो दस मुंडा की अकल, अपन किसी की अच्छी अकल तो नहीं, तो उसे पटना की मिर्ची लगे, उसे मिर्ची लग जाए, बताओ हमें ज्ञान दे रहा है, हमें जैसे अकल ही नहीं है समझाने वाला, मम्मी समझाए छोरा के तो छोरा ही कह दे, अपनी अकल अपने पास रखो, तुम मुझे क्या मूर्ख समझती हो, इतना कॉलेज में पढ़ रही हूँ, इतना लोगों के चले ही रही हूँ, मम्मी तो मुझे जानती नहीं है, मम्मी बोले यही तो समझा रही कि तू दूसरे के मूर्ख बनाना छोड़ दे, तू तो खुद मूर्ख छोरा, अभी क्या कौन समझाए, पर ये क्या हमारा तो दस मुंडा, हमें नहीं चाहिए किसी की अकल, हम तो खुद विद्वान, हम तो खुद विद्वान। और दुर्योधन को कितना समझाया, अब बापड़ा के बताओ कितना भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए, मान जा रहे देखो हाथ जोड़ो दादा, पांच गांव का राज्य दे दे इनके, क्या एक सुई की नोक के बराबर नहीं दो, फिर भगवान ने भी कह दिया ठीक है अब सुई भी ले लेंगे ने नोक भी ले लेंगे, तो इनकी लग गई मिर्ची कि बताओ भगवान कृष्ण तो पांडवों का साथ दे रहा है, लग जा सत्य कहो श्रेष्ठ कहो, दुनिया के लोगों को सही राय दीजिए, सही मार्ग बतलाइए, फिर भले उन्हें पटना की लगे चाहे काली लगे, अपने कोई फर्क नहीं पड़े, तुम तो अपने सत्य पे टिके रहो, तुम्हें कहीं करना। अब आज की बात ले लो, आज कोई मैं पूछ रहा था ए गुरुजी, हमने कहा हाँ बोलो, व्यक्ति को गाड़ी किस स्पीड में चलाना चाहिए, मैंने कहा ये और पूछना रह गया था, इतनी सी बात वो भी हमसे पूछ रहा है, नहीं अब हमने पूछा कहाँ से आया था कि आगरा से, हमने कहा तो आगरा से आके तो इतनी सी बात पूछना है कि कौन सी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए, जितने साल का तू उतनी स्पीड में गाड़ी चला, तू 20 साल का है तो स्पीड कितनी रख 20, तू 30 का है तो स्पीड कितनी रख 30, तू 40 का है तो गाड़ी की स्पीड 40, तू 100 का फिर 101 पे चला, कौन मना करे था, ऊपर ही तो जाना है फिर सो के ऊपर, गलत की, अरे बोलो तो जम के गलत की, जितने साल के तुम हो जितनी तुम्हारी उम्र है गाड़ी की स्पीड उतनी रखना तो एक्सीडेंट नहीं होगा, जहां उम्र से ज्यादा स्पीड गाड़ी की गई तो भेरू गया, तुम 30 के गाड़ी की स्पीड 30 की रख, तुम 40 के गाड़ी की स्पीड 40 रख, तुम 80 के गाड़ी की स्पीड 80 रख, जब तुम 100 के बाद तो तुम कांटा भी टिकाई दोगा तो कोई बात नहीं, फिर कोई फर्क नहीं पड़े, स्पीड देखना है तो उम्र से देखो, ज्यादा तेज गाड़ी भगाओगे 20 की उम्र है और 80 100 100 पे चलाओगे तो कभी भी ऐसा स्पीड ब्रेकर से उचकोगे ना कजन कहाँ जाओगा पता ही नहीं पड़ पाएगा, इसलिए जितनी साल का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाए उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए,
उससे ज्यादा आगे मत जा, सोच लेना गया कि गया। गया तो गया। अब हमसे ज्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं। इस शरीर की कैपेसिटी है 10 की, हम इसको इतना दौड़ा रहे हैं 20 की स्पीड में। आखिरी में गाड़ी तो गाड़ी, शरीर तो शरीर है, शरीर तो शरीर है। आठ बजे से दुकान पे बैठ गया, 9 बजे तक उठ नहीं लिया, बाद में के मारे स्लिप डिस्क हो गया, मारा गुड़िया खसक गया। डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर साहब बोले पट्टा बांध लो। डॉक्टर ने एक बात नहीं बोली कि पट्टा बांध लो, डॉक्टर बोला, किसी संत के पास जाता तो एक ही बात कहता, शिव मार पुराण का पट्टा बांध ले, शिव पुराण में जाके बैठना चालू कर दे, अभी दुकान उकान सब छोरा छोरी के दे दे, ढोकरा भीगी आप कई काम करनी दादा, अब भगवान का भजन करो, जीवन में मिला है जितनी श्वासें मिली भगवान की भक्ति में लगा, काम करो मना नहीं है, दिल से करो, दुकान चलाना है खूब चलाओ, व्यापार करना है खूब चलाओ, तुम्हारा शरीर चले तब तक चलाओ, पर साथ में शिव नाम गाते जाओ, राम नाम गाते जाओ, भगवान कृष्ण का भजन गाते जाओ। ये जीवन का कोई ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं, कौन सा भरोसा। अब भक्ति में रम लिया जितना रम सकता, देवऋषि नारद के मन में नहीं रहा, अहंकार था। भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया, भगवान विष्णु उनको लग गया किसने निंदा करी है, निंदा करने वाला निंदा सुनने वाला महापापी होता है। कोई आपको अगर किसी के लिए निंदा कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये मेरे पाप को बढ़ा रहा है, खुद के पाप बढ़ेंगे घटेंगे वो अपनी जगह पर, मुझे पापी बना रहा है, किसी के बारे में बोलकर मुझे सुनने का आदि बना रहा है, मैं क्यों विश्वास करूं, क्यों। भला किसी का कर ना सको तो जम के तो बोलो, बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर। शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू। निंदा करी, भगवान ने कह दिया इसका बंदर का मुख बनेगा, बंदर का मुख बना। विचार आया, गलती हो गई, क्षमा मांगी। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, अहंकार, किसी किसी को ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, हम इतने विद्वान हैं, हमारे पास में ये डिग्री है, ज्ञान की अजीर्णता, फिर लोग क्या कहने लगते हैं। देवऋषि नारद ने विचार करा कि मैंने इतना कामदेव को जीत लिया और काम को जीतने के बाद कहां मेरा भाग्य फूटा कि मैंने देव अधिदेव महादेव को जाकर अपना अभिमान प्रस्तुत कर दिया। एक बात लोग कई बार कहते हैं, आपने भी सुनी होगी, धर्म करते, आपको मालूम है क्या, बहुत अच्छे से लोग बात बोलते हैं, बहुत प्रेम से, धर्म करते कर्म फूटे, पर देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम धर्म के पथ पर चलोगे, सतमार्ग पर चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य होगे तो ये पक्का है,
कर्म नहीं फूटते, तुम्हारे कर्म में जो कुछ बेकार होगा वो कटेगा, फूटेगा नहीं। धर्म करते कर्म नहीं फूटते, तो लोगों ने कहानी बना दी कर्म फूटे। भगवान धर्म के पथ पर चलोगे तो लोगों के ताने सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो। इससे पहली वाली कथा और इससे पहले वाली कथा में एक बात कही थी, चोर को खांसी कही थी, संत को दासी और व्यक्ति को आलसी, ये तीनों नरक की ओर ले जाते हैं। बोला था चोरी करने गया व्यक्ति खांस दे गया, और संत के पास अगर कहीं की दासी हो तो वो संत भी। आज का जमाना में तो चेला भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ दादा, बट टीवी में देखा अभी 2-3-4 दिन से देख देख के दादा काहे चेला, गुरु की बदनाम करी दो। 50 बार विचार करना पड़ेगा गुरु को चेला बनाने से पहले। ये सोचने वाली बात, एक बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। माता ने अपने बेटे को दूध पिलाया, बड़ा करा, शादी होने के बाद वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इनके लेके आओ, उन्हें 10-12 साल इनकी परवरिश करो, ने इनके खूब खिलाओ, ने मोबाइल भी दिलाओ, ने एप्पल का दिलाओ, ने ये दिलाओ, ने वो दिलाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो संसार में किसी का हो सकता है? जम के बोलो जरा। उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां सकता है? खांसी फिर जम के बोल दो, दासी आलसी, 50 बार देख दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज के लिए, अपने दिल नहीं कहें। कहने वाले राम जी महाराज के सामने विद्वान कहता है, एक विद्वान राम जी से कह रहा है विद्वत्ता में, राम जी ने उसके हाथ जोड़ लिए, बोले क्या कहना चाहते हो? विद्वान कह रहा है कि तुम्हारे पिता मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मर गए, तेल के उस कुंड में उनको रखा, और तुम उनकी औलाद अंतिम संस्कार करने नहीं आई, और मां वो गिद्ध मर गया, कौन वह जटाई, वो गिद्ध मर गया और उसका अंतिम संस्कार कर रहे, और तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं देखा। एक विद्वान ने राम जी पर उंगली उठा दी, राम जी की आंख से आंसू बह रहे थे। दुनिया के लोग ताने कसने में पीछे नहीं हटते रे दादा, पर राम जी जैसी सतर्कता रखना। राम जी से विद्वान कर रहा है कि अपने पिता को तुम अंतिम संस्कार करने नहीं आए, वो गिद्ध का वो पक्षी का तुमने अंतिम संस्कार करा, तब मेरे राम जी ने उस विद्वान की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी। राम जी बोले देखो मेरा जन्म हुआ है जिसका कोई नहीं उसका राम है। दशरथ जी के तो 4 पुत्र थे, कोई भी आग दे देता, पर वह पक्षी का कौन था? राम ने जन्म दिया था, इसलिए राम उसका अंतिम संस्कार। उस पक्षी का कौन था जिसका कोई नहीं उसका राम है, जिसका कोई नहीं उसका मेरा भोले नाथ है। काय को टेंशन लेना, विद्वान चुप। अब क्या बोले उसके आगे, क्या बोलेगा? जिसका कोई नहीं उसका राम है, परमात्मा है उसका। अज्ञानता का भाव प्रकट, मैंने कहां ये बोल दिया? देवऋषि नारद का अभिमान, देवऋषि नारद की अभिमत्ता, कहां मैंने बोल दिया? झूठ का जाल बिछाओगे, अहंकार का जाल बिछाओगे, प्रपंच का जाल बिछाओगे, उस जाल में एक दिन खुद ही फंस जाओगे। कोई दूसरा नहीं फंसेगा, तुम खुद फंसोगे। दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, खुद उसमें गिर जाओगे। झूठ के जाल में खुद फंस जाओगे। आज कहा नेत्रों से जल बह रहा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? देवऋषि नारद करें, अब मैं क्या कर सकता हूं?
अब मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा, जिसका अपमान करा है उसी की शरण में चले जाओ। शरण में जाने से कुछ होता है क्या? शरण में जाओगे और माफी मांग लोगे, चरण पकड़ लोगे। बेटा रोते हुए अपने माता पिता के चरण पकड़ ले तो क्या माता पिता माफ नहीं करते? लाखों का डब्बे में लगाया या शेयर मार्केट में लगाया या बाप को कर्जे में लदा लूम कर दिया तो भी बाप बेटे से यही कहेगा, ये तो छोरा मेरा ही। फिर भी कह देगा, कोई बात नहीं, आ मेरे गले लग जा। माता पिता सदगुरु परमात्मा होता ही ऐसा है, वो क्षमा कर देता है, जा। पर हम में फूल कर अहंकार अभिमान, मैं हूं नहीं, मुझ में बहुत ज्ञान है, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मुझे नीची है किसी की भी अकल, मैं तो खुद अकलबर हूं। मेरे नीची देवऋषि नारद का अभिमान चले गए। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शंकर भगवान आए, देवऋषि नारद को दर्शन दिया। जब अभिमान ही चले गया तो फिर चिंता क्या? अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए। अभिमान गया ना, कोई बात, स्वान को कौए को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं स्वान को कुत्ते को और कौए को, व्यक्ति के जीवन से दो चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती है। पहला व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है? अहम अहंकार। दूसरा बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता, श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था? कि पक्षियों को लोग दाना देते, दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है पक्षियों को दाने का? हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना, एक किसी व्यक्ति का फोन आया था कि गुरुदेव ये बताओ, ये जो 24,000 श्लोक से आहुतियां छूट रही हैं, अग्नि में साकल्य दी जा रही है, क्या इससे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? गरुण पुराण में कहा गया जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में तो उनको आजीर्ण होने लगा, वोमिटिंग करने लगे, पितर रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें? सारे पितर दौड़कर ब्रह्मादेव के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी कृपा करिए, ब्रह्मादेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, तो कह महाराज जी ये पितर रो रहे हैं, क्यों? कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता है, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है, क्या करें? सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें? शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेव था जरा इधर आओ, अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है? शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितर मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्निदेवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर गोबरी जलाकर उसको जलाने के बाद उस पर घी शक्कर धूप छोड़ो,
क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी साकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी साकल्य देने से तुम्हारे पितर खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितर जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता, तो पितर आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में साकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितर आशीर्वाद देते हैं, पितर आशीर्वाद देते हैं। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के लिए। शादी में किसकी साक्षी होती है, जम के बोलो, अग्नि की। ये तुमने मंडप लगाया ये तो ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो। मोर छटाई की तो मोर ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो। ये जितना बराती आया एक ना एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो। सब अपने अपने घर पहुंच गया, ये सोफा सेट ने पलंग सब चले जाएगा, नहीं गद्दा रजाई और टेंट हाउस का था नहीं ये भी चले जाएगा, बोलो सही है कि गलत है। अरे पंडित जी ने पूजन कराई वे भी चला जाएगा। अब सब सब कुछ चले गया, फिर शादी का जो तुम्हारा संबंध हुआ है, हाथ जो पकड़ाया गया है, उसकी साक्षी कौन देगा? तो कि ये जो अग्नि की सात भावर डाली है ये अग्नि साक्षी है। उसी तरह पितृ पक्ष में आप लोगों ने जो अपना नाम गोत्र लिखकर भेजा है और उसकी जो साकल्य डल रही है वो अग्नि उन पितरों की साक्षी है, उसका फल भोजन, उसका मोक्षता भोजन। कल लगभग 400 से 450 ग्रुप में जितने लोग जुड़े थे उनके नाम की साकल्य हुई थी। आज फिर 400 450 ग्रुपों को सूचना दी गई कि आपके नाम की आहुतियां चल रही हैं, जो नाम आपने भेजे थे। ब्राह्मण भोज आप लोग दर्शन कर रहे होंगे टीवी पर भी, भंडारा भोज दुनिया भर में तो केवल ब्राह्मण भोज हो रहा है, पर यहाँ इस कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आ रहे हैं सब मुख झूठा कर जा रहे हैं। आपने जो दान दिया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, आपका अन्न भाग कम से कम आप अपनी आंखों से लगता हुआ देख तो रहे हैं, इसकी खुशी तो है आपको कि आप सत जगह पर लगा रहे हैं, उसका सत्कर्म में लग रहा है, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिव के दरवाजे पर लगा रहे हो, शिव महापुराण में लगा रहे हो। पहले भी कथा में कहा सब दूर किया हुआ मरने से पहले समाप्त हो जाएगा, जो व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सारा तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है, पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, झूठ बोल लिया, प्रपंच कर लिया, समाप्त हो जाएगा। पर शंकर के दरवाजे पर करा हुआ, शिव महापुराण में किया गया, कभी समाप्त नहीं होता, जो करा उसका हजार गुना मृत्यु के समय पर प्राप्त हो जाता है, अंतिम क्षण हमें प्राप्त हो जाता है, अंतिम क्षण। सहज नहीं है महाराज शिव महापुराण, ये यजमान कथा करा रहे हैं औरंगाबाद जलगांव से आकर। भगवान की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, जो ये कथा मंडप में बैठकर कथा का रस स्वादन करा। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ जितने टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है। बाबा ने कृपा करी तो इस पितृ मोक्ष यज्ञ की परिक्रमा करने का आपको फल मिला, कुछ नहीं तो 11, 21, 51, 108 परिक्रमा लगा कर जाना, कहीं पितरों की मुक्ति का, मोक्ष का फल, स्मरण करने का मौका आए हो तो लगा जाए। ऑनलाइन सुन रहे हो तो घर से ही स्मरण की परिक्रमा लगा लो कि हमने कुबेरेश्वर धाम में जो हमारे पूर्वजों के नाम भेजे हैं उनके स्मरण कर परिक्रमा लगा। मोबाइल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर स्मरण कर कर अपने पितरों की परिक्रमा का स्मरण कर, शिव का वास शंकर कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, देव ऋषि नारद के हृदय चले, अहंकार चला गया, अभिमान गया, और अभिमान गया तब बाबा ने कृपा कर शंकर जी का दर्शन हुआ, आज्ञा करी क्या चाहते हो? नारद जी कहते हैं बस भक्ति करता था, श्रीमन नारायण का स्मरण करता था, पर भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया, भक्ति के पद से मैं छूट गया, और भक्ति के पद से जब मैं छूट गया, भक्ति के पद से मैं वंचित हो गया, जब व्यक्ति के भीतर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमत्ता आ जाती है, तब व्यक्ति भक्ति के पद से हट जाता है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सारी जगह का भोजन
करोगे तो एक जगह में मन लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, अच्छे से तो बोलो, लगेगा एक जगह नहीं? एक जगह पर अगर मन को लगाना है, अपने मन को एक जगह पर अगर स्थिर करना है, तो भोजन भी जम के बोलिए एक जगह का ही करना चाहिए। और एक बात अन्न के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि प्रयास करना, तीर्थ में जाओ, होटल का भाग कम खाकर कहीं संत साधु सन्यासी कहीं आश्रम आदि में थोड़ा सा भी मिल जाए ना कण का मात्र, तो उसे पाले, प्रसाद मिल जाए उसको पाले। कहीं किसी आश्रम में जाओ, कभी भगवान के दरवाजे पर जाओ तो थोड़ा सा भाग मांग कर पा लेना। क्यों? उससे ना जाने इस आत्मा को कितनी संतुष्टि होगी, परमात्मा का दर्शन ना जाने कितनी जल्दी हो जाए। दर्शन मात्र प्रसाद भगवान को, भक्ति का मार्ग। जिस समय भगवान की भक्ति के पथ पर चलूं, देवऋषि नारद करें मुझसे गलती हो गई, मैं श्रीमन नारायण कहते कहते अहंकार में फूल गया था कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान शंकर को नीचे दिखा दिया, भगवान विष्णु के सामने जाकर अपने व्याख्यान वर्णन कर दिया। हो जाता है, अभिमान व्यक्ति को कहां ले जाए? जरा सा अभिमान व्यक्ति को जब आ जाता है, मैं अच्छे पद पर हूं, मैं अच्छी जॉब पर हूं, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास पद है, मेरे पास में ये है, व्यक्ति कितने समय तक कुर्सी पर बैठेगा, कितने समय तक पद पर बैठेगा? उस कुर्सी का पद का अभिमान व्यक्ति को ऊपर की ओर उठा देता है, और ना जाने कुर्सी फिर नीचे से कब खसक जाए, कोई भरोसा नहीं पड़ पाता। इस बात का स्मरण करिएगा, कितने दिन कुर्सी पर बैठे हो, एक दिन टेबल पे भी मिलोगे, और टेबल पर तुम नहीं मिलोगे, तुम्हारा फोटो मिलेगा प्लास्टिक के फूल की माला के साथ। अभिमान में ना फूलिए। रावण को समझाया नाना जी ने, दुर्योधन को समझाया भगवान कृष्ण ने, भीष्म पितामह तक दुर्योधन को बार बार समझाते थे, रे दुर्योधन मान जा, फिर भी नहीं मानते थे। यहां तक का एक लाइन बन गई, जैसा खाया अन्न जम के बोलो वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी बन गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। शास्त्र कहता है अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही भाग होगा। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जो भगवान की अविरल भक्ति में जो डूबे रहते हैं, वो 10 जगह का अन्न नहीं खाते हैं। क्यों? 10 जगह का अन्न खाएंगे तो मन भी 10 जगह जाएगा, 1 जगह का खाएंगे तो मन 1 जगह रह जाएगा, 1 जगह। कई कई तो ऐसे पापीड़ारा जीव है रे संसार में कि आश्रम में रहने के बाद भी आश्रम का भोजन नहीं करे, होटल में चरवा जाए, होटल में खाने जाए। क्यों रे आश्रम में चाय क्यों नहीं पियो? पतली है, इसलिए हमने सोचा कि पास में दुकान लगी हो तो हम वहां थोड़ी देर चले जाएं, चौराहे पे मैं वहां पिया है, तो मां जाड़ी मिली, हाँ यहां पतली है। भले वो गर्म पानी मिले रे, पर स्थान तो देखो कहां का है, गर्म पानी भी मिले ना, पर भंडारे की सब्जी में नमक नहीं भी होना तो भी देखो तो सरी की वो कहां का है। रिसेप्शन में शादी में खाना खाने जाओ, खाना बच जाए प्लेट में, तो तुम में से कितने लोग हैं कि बांध के लिया है? अरे बोलो जम के तो बोलो, ने दही बड़ा छूट लिया हो तो नहीं साहब, हम तो पोलेथिन लाए, हम तो खाए ना, सब बांध के भी ले जाए लाओगे? रिसेप्शन में पार्टी में किटी पार्टी में खाने जाओगे, प्लेट में बच गया बचा कर लाओगे? नहीं। भंडारे में खाने जाओगे, 2 पूड़ी बच गई, थोड़ी सी सब्जी बच गई, कमला घरे दे गई है, ले जाओगा कि नहीं ले जाओगा? अरे बोलो तो सरी साहब, थोड़ा सा बचा प्रसाद वो भी खा ली, पर वो रिसेप्शन से बचा के ले जाओ, नहीं गुलाब जामुन बच गई मैं तो डाल लूं झोला में, कौन ले जाए? गाजर का हलवा बची गया, नहीं अपन तो डाली लगा, तो
कोई बचा, पर भंडारे में कुछ बच गया तो झोले में रख लिया। दो पूड़ी तो ले जा रही, घर में थोड़ा सा प्रसाद दे दूंगी ना। आज कहाँ से आई तो लोग पूछेंगे, तो सीओर गई थी ना कुबेरेश्वर धाम में, तो वहाँ खिचड़ी मिली थी, तो खिचड़ी धर लई हो माता जी मिले थोड़ा सा बस। कई कई लोग यहीं की यहीं रे आश्रम में रे, यहीं पर आश्रम में रह रहे, और मालूम पड़े एक महाराज उनके बाजू में रह रहे, तो कि हम तो तुम्हारे घर का खाएं पर आश्रम करनी खाए, मही मही का खाई से तो बुद्धि बेसी हो गई, ले भाटा पड़ी गया बुद्धि का, जैसा खाया अन्न वैसा। अभी के दुर्योधन के कितना समझाया, अब रावण के उनके नाना जी ने कितना समझाया, नाना जी से क्या हमारा तो 10 मुंडा, तुम्हारा तो एक ही, हम में अकल ज्यादा। तो नाना भी बेचारा चुप हो गया, छोरी से गल पानी लिया, हमारा चक्कर ही रही का मुंडा देख देख के, कहीं बोल नहीं बोल मुझे कोई मतलब। अब नारद जी का अहंकार चला गया, अहंकार जब जाता है ना तो एकदम शांत कर देता है, एकदम शांत। सत्य बात किसी को कह दो उसके बाद में जो शांति आएगी, एकदम जैसे वो सुतली बम नहीं फूटे, और फूटने के बाद एकदम सब बस। ऐसे ही अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है, एकदम रस्सी का बम ने सुतली बम बंद के फूट गया। पहले जमाने में ऐसी गुचकुंडी भी होती थी, ऐसा नीचे चौकोर होती थी, उसमें ऐसी एक लोहे की डंडी रहती थी, उसमें मसाला भरी दो और ऐसा दम फोड़ दो, और गुचकुंडी जैसे फूटे नहीं तो मोहल्ला का लोग, छोरा कहीं करे छात उचकी जाए, गुचकुंडी पड़ी सब छुन्न हो गया एकदम चुप। उसी तरह शिव पुराण जैसी चालू हुई ने गुचकुंडी फूटी, कहीं छुपा। अब पाप काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा सब उड़ गया, क्यों दिवाली के टाइम कथा है क्या टीवी पे है, है? अच्छा नहीं, दिवाली के टाइम अगर शिवपुराण होती तो अपन फटाका शिवपुराण बांच ही देता। अभिमान जब समाप्त हुआ, आसक्ति लोभ तृष्णा वासना सब गई, शून्य एकदम शून्य। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। फिर कुछ अच्छा लगे ही नहीं महाराज, फिर बस चित्त वृत्ति में एक ही समाहित हो वो शिव, दूसरा कोई आया ही नहीं। अहंकार गया, समय बीता, भगवान देव अधिदेव महादेव ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का निर्माण करा अर्धनारीश्वर भगवान को, स्वयं भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं, स्वयं शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं, भगवान शंकर अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दे महाराज अर्धनारीश्वर स्वरूप, भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर से, भगवान शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव मेरा ओघड़।